ఆత్మీయత నాది ఆశీర్వదించండి. ఈ గడ్డ మీద 14 ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించండి, జిల్లాల 14 మీరు గెలిపించండి, రాష్ట్రంలో 100 సీట్లు గెలిపించే బాధ్యత నాది. వైసీ హమారే ముసల్మాన్ భాయిన్ సే మేరా ఏక్ హీ గుజారిష్ హై, दो बार उनको मौका दिए, जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिए, उन्हों 12% के लिए आप लोगों को वादा किए, मगर 10 साल हो गए, जो बात ये, जो वादा किए आज तक नहीं निभाया, धोखा दिया. और दूसरे हाथ से जो सेक्रेटेरिएट में निजाम सरकार ने बनाया सो मस्जिद था, उसके बाद कांग्रेस सरकार में दूसरी मस्जिद बनाई. सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदों को केसीआर ने शहीद करवाया. जो मस्जिदों को शहीद करवाया, वैसे पार्टी को आप लोग वोट देते क्या? आप लोग सोच कर अगर कोई भी बोलने दो, उनका क्या उनसे लेना देना है मैं नहीं बोलता हूं, मगर जिम्मेदारी से सोचो. आज राहुल गांधी जो जहर फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, देश को तोड़कर चुनाव जीतना चाह रहा है, वो नरेंद्र मोदी को हरा के ये देश को छोड़ने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलकर यही महबूबनगर से गया हुआ है. इसीलिए भाइयों, इस बार बहुत जरूरत है देश के लिए कांग्रेस पार्टी को जिताना. इस चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बने तो 24 में दिल्ली लाल किला में तिरंगा झंडा लहराने का जिम्मेदारी हमारी है. इसीलिए महबूबनगर में जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहनों हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट दो, जिम्मेदारी से काम निभाने का, सेक्युलर सरकार चलाने का जिम्मेदारी हमारी है. అదే విధంగా ఈడ ముదిరాజు సోదరులు ఉన్నారు, ఇలా బీసీ డి గ్రూప్ లో ఉన్నారు, బీసీ ఏ గ్రూప్ లో మార్చడమే కాదు, ముదిరాజులకు ఈ రోజు 119 సీట్లలో కేసీఆర్ ఒక్క సీటు కూడా ఇవ్వలే